हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर न्यू वीडियो। आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ जो मिडजर्नी से भी ज़्यादा कूल है, और मैं जानता हूँ कि यह बहुत बड़ी बात है। अगर आपको मिडजर्नी के बारे में नहीं पता है तो यह एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड स्टेबल डिफ्यूजन वेबसाइट है जो आपको डिस्कॉर्ड से जोड़ती है और कुछ कमाल आर्टवर्क जनरेट करती है, जैसा कि यह कुछ आर्ट देख सकते हैं। और इसका जनरेटेड आर्ट कमाल के होते हैं, लेकिन इसका एक बड़ा प्रॉब्लम यह है कि यह फ्री नहीं है। बाकी आपको इसके लिए महीने के सब्सक्रिप्शन देना पड़ता है। उसके साथ आपके पास लिमिटेड नंबर ऑफ इमेजेस है जो आप बना सकते हैं। इसके सब्सक्रिप्शन प्लान के आधार पर आप देख सकते हैं कि प्लान स्टार्ट होते हैं फ्री ट्रायल से, जो बहुत लिमिटेड रिसोर्सेज देती है, और फिर वो बढ़कर $60 महीने के प्रो प्लान तक जाता है, जो 30 घंटे महीने के फास्ट GPU टाइम और 12 कंक्रेंट जॉब ऑफर करता है। पर टेंशन लेने की बात नहीं है, मैं इस वीडियो में आपको एक ऐसा टूल बताऊंगा जिसमें आपको ये सारे फीचर मिलेंगे। और आपको एक एक्स्ट्रा बोनस ये मिल जाएगा कि वहाँ पे आपको स्टेबल डिवीजन का भी सिस्टम वहाँ पे मिल जाता है, जहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, स्टेबल डिवीजन की मदद से आप आर्ट जनरेट कर ही सकते हैं। उसके साथ आप अपने इमेज के AI ट्रेनिंग के मदद से अपने इमेज का मॉडल जनरेट कर सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं। आप चाहे तो अपने इमेज का वहाँ पे पोज भी चेंज कर सकते हैं। सो विदाउट एनी वेस्ट टाइम लेट्स क्रिएट समथिंग न्यू। तो सबसे पहले क्या करना है, आपको इस वेबसाइट पर आना है जिसका नाम है leonardo.ai। और आप जैसे यहाँ पे आ जाएगा, आपको क्या करना है, यहाँ पे सबसे पहले आपको क्या करना है, अपना मेल डालना पड़ेगा, जिससे क्या होगा आपको एसेज मिल जाएगा। 4 से 5 दिन में आपको एसेज यहाँ पे मिल जाएगा। जैसे अपना मेल यहाँ पे एड कर लेते हैं, और जैसे आपका एसेज मिल जाएगा आपको कुछ इस टाइप का शो करेगा। यहाँ पे आपको पहले से बहुत सारे आर्ट मिलेंगे, तो आपको क्या करना है, इस आर्ट को चेक करना है और उससे आइडिया लेना है कि यहाँ पे इमेज जनरेट कैसे होता है। जैसे आप देख सकते हैं, आइडिया लेने के लिए यहाँ पे इसका लूना नाम है, तो यहाँ पे इसका लूना नाम लिखा गया। और उसके बाद यहाँ पे आपको प्रॉम्प्ट कोड मिलता है, नीचे आप देख सकते हैं प्रॉम्प्ट कोड यहाँ पे आपको पूरा मिलेगा यहाँ पे। उसके बाद आपको डिस्क्रिप्शन भी मिल जाता है नीचे यहाँ पे, और डिस्क्रिप्शन आप पढ़ सकते हैं पूरा यहाँ पे लिखा है। और उसके बाद यहाँ पे गाइडेंस वगैरह भी आपको मिलता है यहाँ पे, गाइडेंस आपको समझ में आ जाएगा स्टेबल डिवीजन वाला वीडियो लेके आऊँगा। इसका दूसरा आपको एक और आर्ट दिखाता हूँ, यहाँ पे देख सकते हैं बहुत ज़्यादा ही आपको प्रॉम्प्ट कोड मिल जाएगा। और ये वहाँ पे इमेज में आप देख सकते हैं बहुत ही ज़्यादा डिटेलिंग यहाँ पे, बहुत ही HD क्वालिटी में इसे इमेज जनरेट किया। और यहाँ पे भी जैसे मैंने बोला था, आपको प्रॉम्प्ट कोड भी मिल जाएगा यहाँ पे, और उसका नाम भी यहाँ पे आपको मिल जाएगा, और प्रॉम्प्ट डिटेल आप पढ़ सकते हैं। उसका बात देखिएगा, आप यहाँ पे नेगेटिव प्रॉम्प्ट कोड मिलता है यहाँ पे, तो नेगेटिव प्रॉम्प्ट का मतलब ये होता है कि आपको जो इमेज में नहीं चाहिए आप उसको यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। उसका जैसे आपको इमेज जनरेट करना है इस टाइप का, तो उसके लिए आपको क्या करना है, इस वाले ऑप्शन पे जाना है इमेज जनरेशन पे, और आपको क्या करना है यहाँ पे अपना प्रॉम्प्ट कोड ऐड करना है, जो भी आपको इमेज क्रिएट करना है, जनरेट करना है, तो आपको वो प्रॉम्प्ट कोड यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा। उसके बाद आपको यहाँ पे नेगेटिव प्रॉम्प्ट कोड ऐड करना है अपना। नेगेटिव प्रॉम्प्ट कोड जैसे मैंने बताया था, कोई भी आपको इमेज में जो चीज़ नहीं चाहिए उसको रिमूव करने के लिए हम नेगेटिव प्रॉम्प्ट कोड ऐड करते हैं। और उसके बाद आप अपना मोड चूज कर सकते हैं, आपको किस मोड में आर्ट को चाहिए। आप चाहते हैं स्टेबल डिवीजन भी यूज कर सकते हैं, मैं फर्स्ट वाला ही चूज करूँगा। और उसके बाद आपको क्या करना है, सेटिंग वगैरह ये देख सकते हैं, सेम सेटिंग आपको रखना है। मैजिक प्रॉम्प्ट कोड से ये होता है कि ऑटोमेटिक आप प्रॉम्प्ट कोड और भी ऐड हो जाता है उसमें, ये क्या करता है अपने कोडिंग यहाँ पे ऐड कर देता है। तो आप यहाँ पर अपने कोडिंग सेटिंग देख सकते हैं, जैसे मैंने सेटिंग किया, आप चाहते ये सेटिंग भी कॉपी कर सकते हैं। और देख सकते हैं आप एक टोकन वाला ऑप्शन आपको मिलेगा, तो टोकन वगैरह ये होता है कि आपको कुछ टोकन मिलता है, जैसे 250 टोकन मिलता है, तो वो टोकन आप जितना यूज होगा आपको यहाँ पे दिखाई देगा, फिर जनरेट पे क्लिक कीजिएगा। उसके बाद आपको लोडिंग होगा यहाँ पे, लोडिंग होने के बाद आपको थोड़ा बहुत वेट करना पड़ेगा। और साइड में भी आप देख सकते हैं, यहाँ पे यूट्यूब का अगर साइज चाहिए आपको तो यूट्यूब का साइज भी चूज कर सकते हैं। और यहाँ पे आपको इमेज अपलोड वाला भी ऑप्शन मिलता है, तो आप ये भी कर सकते हैं। और देख सकते हैं बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव इसने आर्ट क्रिएट किया है। देख सकते हैं जैसे मिडजर्नी में होता है क्रिएट, वैसे ही आपको यहाँ पे भी आर्ट क्रिएट कर सकते हैं, जो कि देखने में बहुत ही ज़्यादा परफेक्ट लग रहा है। आप देख सकते हैं परफेक्ट इमेज इसने जनरेट किया है। और जैसा कि मैंने आपको बोला था, सेटिंग वगैरह भी आप इसमें चेक कर सकते हैं, बहुत इसमें आप हैं सेटिंग वगैरह, जितना खेलिएगा उतना आप परफेक्ट यहाँ पे डिज़ाइन क्रिएट कर सकते हैं। अपना इमेज अपलोड करेंगे, और एक बात बता दूँ मैं आपको, यहाँ पे जैसा आपका इमेज का पोज रहेगा उस टाइप का आपका आर्ट जनरेट होगा। जिसमें मैंने जैसे ये इमेज अपलोड कर दिया यहाँ पे, और आपको सेटिंग वगैरह जो भी छेड़ना है छेड़ सकते हैं यहाँ पे। जैसे मैंने आपको बताया था, यहाँ पे आपको एक इमेज, दो इमेज, तीन इमेज, जितना इमेज चाहिए आप अपने कोडिंग यहाँ पे ऐड कर सकते। जैसे मैं देख सकते हैं यहाँ पे 3 इमेज, 4 इमेज, 5 इमेज, 6 इमेज, मिडजर्नी में आपको 4 ही मिलता था, तो यहाँ पे 8 तक आपको मिलता है लास्ट। तो आप अपने कोडिंग यहाँ चेक कर सकते हैं। मैं जनरेट पे क्लिक करूँगा, आपको दिखाऊंगा कि कैसे पोज इसका चेंज कर देगा। जैसे जैसे आपका इमेज रहेगा वैसे आपका यहाँ पे पोज चेंज कर देगा, जिससे आपको थंबनेल अगर बनाना तो बहुत काम आएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे परफेक्ट आपको जैसा पोज चाहिए था उस पोज में ये क्या हुआ, उसने आर्ट को डिज़ाइन कर दिया। जैसे परफेक्ट इसने आर्ट डिज़ाइन किया, जो कि यहाँ पे प्लस पॉइंट हो जाता है यहाँ पे हमारे लिए मिडजर्नी के कंपेयर में। फिर आपको यहाँ पे अगर अपना इमेज जनरेट करना है, तो उसके लिए क्या करना है, आपको यहाँ पे जाना है एक और ऑप्शन पे, यहाँ आपको दिखाई दे रहा होगा। इससे पहले आप चाहे तो थोड़ा बहुत यहाँ पे एक्सप्लोर कर सकते हैं पर्सनल फीड और कम्युनिटी फीड में। और अपना यहाँ पे ट्रेनिंग एंड डेटा बेस में जाना है, और यहाँ पे आपको क्या करना है, नाम दे देना है अपना, कोई भी आप नाम दे सकते हैं यहाँ पे। और यहाँ पे आपको क्या करना, अपना 20 से 25 इमेज अपलोड करना है, हर एंगल से आपको क्या करना, अपने इमेज यहाँ पे अपलोड करना है। मैं आप एक ही इमेज अपलोड करूँगा, जिससे क्या होगा कि आप जो भी आर्ट डिज़ाइन कीजिएगा वो आपके फेस का होगा। अब मैं आपको स्टेबल डिवीजन वाला वीडियो लाऊंगा, तो उसमें ये पूरा समझ में आ जाएगा।
और आप इसको यूज़ करके आप अपना एक परफेक्ट थंबनेल बना सकते हैं। अपने थंबनेल के लिए जैसे बैकग्राउंड अलग से क्रिएट कीजिए, अपना कैरेक्टर क्रिएट कीजिए, आप किसी भी पोज को, अपने इमेज को किसी भी पोज में आप क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इसके लिए कुछ नहीं करना, आपको अपना इमेज अपलोड करना है 20, और उसके बाद मैं एक ही इमेज अपलोड करूँगा। उसके बाद आपको सबमिट वाला ऑप्शन देगा, दैट ट्रेनिंग मॉडल वाला ऑप्शन देगा, इस पर क्लिक करना है और आपको यहाँ पर डिटेल वगैरह जो भी आपको है फिल कर लेना है। उसके बाद अपना प्रॉम्प्ट कोड यहाँ पर डाल देना, आपको जिस टाइप का आपको आर्ट जनरेट करवाना है उस टाइप को यहाँ पे आपको दे देना है। यहाँ पे आपको एक बार में चाहिए तो आपको 50-100 आपका AI आर्ट जनरेट हो जाएगा। जैसे आप देखे होंगे लेंसा आर्ट वाला एक ऐप, शायद ऐसा है ऐप वो करता है। फिर आप सबमिट पे क्लिक करेंगे, फिर ये जैसे आपका आर्ट रेडी हो जाएगा, आपका मॉडल रेडी हो जाएगा, उसके बाद क्या होगा आपको मेल आ जाएगा। जैसे मेरे को लिखा था 30 मिनट, इट्स अ डिपेंड ऑन योर फाइल कि आप कितना लॉन्ग फाइल अपलोड करते, पर मेरे को यहाँ पे 4 से 5 मिनट में ही आ गया था। तो आप चेक कर सकते हैं आपको कितना टाइम लगता है यहाँ पे। और उसके बाद आपको यहाँ पे और भी टूल्स मिल जाते हैं, जैसे AI कैनवास यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पे एक और एक्स्ट्रा बोनस टूल मिल जाता है जिसमें क्या करता है आप आर्ट तो जनरेट कर ही सकते हैं, उसके साथ आप आर्ट जनरेट करने के बाद उसमें अगर आपको कुछ गलती भी आ रहा है तो आप उसे एडिट वगैरह कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे आर्ट जनरेट करने के लिए यहाँ पे एक प्रॉम्प्ट कोड ऐड कर रहा हूँ, जैसे देख सकते हैं मेरे स्क्रीन पे, फिर जनरेट पे क्लिक करूँगा और जनरेट पे क्लिक करने का बहुत ही फास्ट यहाँ पे आर्ट जनरेट हो रहा है। मैं आपको बता दूँ MidJourney से फास्ट आर्ट यहाँ पे जनरेट हो रहा है और आप देख सकते हैं कुछ इस टाइप का यहाँ पे आया है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है, मैं सेकेंड वाला मुझे सही लग रहा है, थर्ड वाला भी चेक कर लेता हूँ, मुझे सही नहीं लग रहा। आप क्या कर सकते हैं यहाँ पे ड्रॉइंग एडिट वगैरह जो भी आपको करना है, इरेज इरेज करना है तो इरेज भी कर सकते हैं यहाँ पे। तो आप अपने कोडिंग यहाँ पे सेटिंग में छेड़छाड़ करके चेक कर सकते हैं कि आप यहाँ पे क्या क्या कर सकते हैं। जितना आप इसके साथ खेलिएगा, इसके सेटिंग साथ खेलिएगा, उतना ही आपको मजा आएगा और उतना ही आप एक परफेक्ट आर्ट क्रिएट कर पाइएगा। सो डेट्स इनफ फॉर टुडे। आई होप इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिला हो। अगर आप इस वीडियो से कुछ भी सीखे तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और मुझे सपोर्ट दिखाएं। तो मिलते हैं इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।